भरतपुर में भाजपा नेता यश अग्रवाल एवं उनकी टीम के नेतृत्व में रणजीत नगर कार्यालय से जयपुर में आयोजित हो रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिवर्तन संकल्प महासभा में शामिल होने के लिए भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता तथा ग्रामीण जन सैकड़ों वाहनों से सवार होकर रवाना हुए। वाहनों के जबरदस्त काफिले को देखकर सब दंग रह गए। काफिले के रवाना होने से पहले कार्यकर्ताओं ने जमकर भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए काफी जोश में दिखे। भाजपा कार्यकर्ता गौरव बंसल ने बताया कि काफिले में 50 से अधिक वाहन एवं 1000 के करीब कार्यकर्ता एवं ग्रामीण जन शामिल है। जो पिछले 4.5 साल में जो राजस्थान की जनता के साथ भ्रष्टाचार, महिला उत्पीड़न, युवाओं का भविष्य के साथ खिलवाड़, प्रधानमंत्री जी मोदी जी जो हमने परिवर्तन यात्रा निकाली थी जो इन भ्रष्टाचारों के अपराधों के खिलाफ, तो आज उसका समापन समारोह हम जयपुर में राजिया विलेज में करने जा रहे हैं और रिंग रोड पे टोल के पास इस सभा संबोधित की जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री आदित्य उपाध्याय जी का जन्म जयंती है और इस उपलक्ष्य में क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी के जो विचार हैं, संगठन की जो विचारधारा है, उसके शोधकर्ताओं में से एक हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय। उनके जन्मदिन के अवसर पर ये महासभा आयोजित की जा रही है। एक अंतम मानवता का जो के द्वारा जो उन्होंने मानव कल्याण का एक नया मार्ग सशक्त किया था, आज भारतीय जनता पार्टी उसी विचारधारा से अपने आप को जोड़कर काम करती है। हमारे लिए मानव एक है, किसी धर्म समुदाय के विशेष में हम बात नहीं कर सकते, हम किसी सामाजिक विभाजन को लेकर हम बात नहीं करते। हम कहते हैं कि सबका विकास, सबका कल्याण।